क्या स्टेट को मार्केट में इंटरवीन करना चाहिए, और अगर मार्केट में इंटरवीन करना है तो कितना कर सकता है, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं, इस पूरे डिबेट को समझने के लिए दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हायक और कीन्स के डिबेट के बारे में। उनके बीच में कैसी डिबेट है, बहुत बार ये डिबेट ज़रूरी नहीं कि वास्तव में हुई हो, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए डिबेट रखनी है कि दो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट के बीच में वो डिबेट कैसे हो सकती है, दो करेक्टर्स को लेकर वो डिबेट कराई जा रही है। तो पहले कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ नेशन स्टेट बन रहे होते हैं, स्टेट अपनी पार धीरे धीरे गेन कर रहा होता है, उसके कुछ नए नए रोल डिफाइन हो रहे होते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक चल रहा होता है। कुछ थिंकर्स ऐसे होते हैं जो मानते हैं कि स्टेट के पास एब्सोल्यूट पार है, वो सारे डोमेन में रहेगा, जैसे हॉब्स हो गए। लॉक कहीं ना कहीं लिमिटेड राइट उसकी स्टेट के बारे में बातें करेंगे और मिनिमम स्टेट के बारे में बातें करेंगे कि स्टेट का काम केवल नेचुरल राइट्स प्रोटेक्ट करना है, जिनमें प्रॉपर्टी राइट एक इंपॉर्टेंट राइट है। ये तो वो डिबेट हो गई, लेकिन उस बीच कुछ थिंकर्स ऐसे होते हैं जिनका ये मानना होता है कि जो स्टेट है उसको मार्केट में इंटरवीन नहीं करना चाहिए, तभी मार्केट अच्छे से काम करता है। उनमें एक इंपॉर्टेंट नाम था एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ इंडिविजुअल हैंड के बारे में बातें करते हैं कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई करके दो फोर्स होते हैं, वो आपस में सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, तो स्टेट को इन चीज़ों पे इंटरवीन नहीं करना चाहिए। तो वो क्लासिकल लिबरल जो थे उनमें हम उनको रखते हैं। धीरे धीरे हुआ क्या कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ता रहा तो स्टेट के रोल को लेकर लोग सवाल करने लगे, तो फिर उसमें पॉजिटिव लिबरल्स आते हैं जिनको हम वेलफेयर के साथ भी जोड़ते हैं, खासतौर पर ग्रीन का नाम आता है ऐसे लोगों का, TH ग्रीन का नाम आता है। तो वो लोग बात करते हैं कि स्टेट के पास कुछ पॉजिटिव रोल्स होने चाहिए, चाहे वेलफेयर के बारे में, ताकि लोग अपनी लिबर्टी इन चीज़ों को एक्चुलाइज कर पाएँ। तो ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट है। अब हम एक नए कॉन्टेक्स्ट में इमर्ज होते हैं, खासतौर पे 1929 के मंदी के दौर में इंटरवीन करते हैं। वहाँ पे स्टेट को कैसे रिएक्ट करना है, कैसे नहीं रिएक्ट करना है, स्टेट का क्या रोल होगा, उस दौर में कीन्स ने अपने कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं। और उसके बाद हायक का आर्ग्यूमेंट आता है, जो कि हायक कोल्ड वॉर के टाइम या उसके पहले वाले टाइम की कौन सी इकोनॉमी बेहतर है जब स्टेट में इंटरवीन करती है, जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी हो गई, या इंटरवीन नहीं करती जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। तो उस दौर में ये डिबेट को सिचुएट करने की कोशिश करेंगे कि हायक किस दौर में लिख रहे हैं और कीन्स किस दौर में लिख रहे हैं। सबसे पहले हम कीन्स को समझते हैं। कीन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि स्टेट को एक पॉजिटिव रोल है, स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए, और स्टेट के इंटरवीन करने से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, ये कीन्स का कहना था। वो जो क्लासिकल लिबरल का कॉन्सेप्ट है उसे वो मानते नहीं हैं और वो नए तरीके से आर्ग्यू करते हैं कि नहीं, स्टेट का एक पॉजिटिव रोल होना चाहिए। इसके अगेंस्ट में जो आर्ग्यू करते हैं उनका नाम है हायक। वो फ्री मार्केट इकोनॉमी और स्पॉन्टेनियस ऑर्डर के बारे में बातें करते हैं। उनका कहना है कि जो मार्केट का अंडरस्टैंडिंग है वो स्पॉन्टेनियस ऑर्डर है, उसमें ज़्यादा स्टेट को रोल नहीं प्ले करना चाहिए, मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना चाहिए। और जो इंडिविजुअल लिबर्टी है, वॉलंटरी एक्सचेंज है, वो की पॉइंट है मार्केट का, और स्पॉन्टेनियस ऑर्डर उसी वजह से मेंटेन है, और मार्केट के जो डिसीजन मेकर हैं वही लोग हों तो बेहतर है, स्टेट को उसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए। एक प्राइस मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया कि एक प्राइस मैकेनिज्म होता है जो अपने आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऑपरेट कर रहा होता है, उसी वजह से एफिशिएंटली एलोकेट होते हैं रिसोर्सेज, कोऑर्डिनेट होती हैं इकोनॉमिक जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं चल रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं हायक जो हैं वर्च्यू ऑफ मार्केट कंपटीशन के बारे में बातें करेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट के बारे में बातें करेंगे, लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बारे में बातें करेंगे, हायक टैक्सेशन के बारे में बात करेंगे, स्टेट के पॉजिटिव रोल के बारे में बातें करेंगे, स्टेट कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को चेंज कर सकता है मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज के थ्रू, उसके बारे में बातें करते हैं। अब जो डाइवर्जेंस है वो देखते हैं। पहला जो डाइवर्जेंस है वो है रोल ऑफ गवर्नमेंट को लेके। तो जहाँ पे इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन और रोल ऑफ गवर्नेंस के बारे में बातें होगी, हायक बोलेंगे कि नहीं, गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड है, मार्केट का स्पॉन्टेनियस ऑर्डर है, प्राइस मैकेनिज्म से चलता है, उसको वैसे चलने दें। कीन्स बोलेंगे नहीं, मार्केट जब भी फ्लक्चुएट करेगा लोगों के वेलफेयर के लिए स्टेट को इंटरवीन करना पड़ेगा। हायक कहीं ना कहीं स्पॉन्टेनियस ऑर्डर के वर्च्यू के बारे में बातें करते हैं, मार्केट कॉम्पिटिशन के बारे में बातें करते हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में बातें करते हैं। कीन्स जो हैं वो इंटरवेंशन के बारे में बातें करेंगे, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कैसे स्टेबलाइज करता है इकोनॉमी को, उसके बारे में बातें करेंगे, और मिटिगेट करता है इकोनॉमिक डाउनटर्न। मतलब जैसे मंदी आती है तो स्टेट के कुछ रोल होते हैं ना, मंदी में स्टेट मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी के थ्रू बहुत सारी पॉलिसीज लाता है जिससे आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इन्फ्लेशन के बारे में होगा, बहुत सारे फैक्टर्स जो सरकार के आज के दौर पर हम रोल देखते हैं, RBI का है या इस तरह का, ये कहीं ना कहीं इसका ओरिजिन जो है वो कीन्स के थ्योरी में निकल के आए। तो वो ये कहते हैं कि मार्केट इकोनॉमी जो है वो प्रोन है फ्लक्चुएशन का, तो गवर्नमेंट हमेशा से इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है इसे अपना पॉलिसी के थ्रू, जिसमें रिसेशन को भी मैनेज कर सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रमोट कर सकता है। दो अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं और दोनों अलग अलग डायरेक्शन से आ रहा है। हायक के अगेंस्ट हम रोल्स को भी रख सकते हैं और भी थिंकर्स को रख सकते हैं, लेकिन अभी इंटरवेंशन वाले डोमेन पर केवल फोकस करते हैं, वेलफेयर वाले को साइड में रखते हैं।
अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, जब भी हम हायर किंग्स डिबेट के बारे में बात करते हैं, जो भी इकोनॉमिक थ्योरी बाद में निकल के आई है, मार्केट की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में इसका इम्पैक्ट है। अब जो हायक का है वो कहने की क्लासिकल जो लिबरल है उससे मिलता जुलता ऑर्डर है, और जो इंडिविजुअल लिबर्टी, लिमिटेड गवर्नमेंट और मार्केट ड्रिवन आउटकम के बारे में बातें करता है। और हायक को फ्रिडमैन और नॉजिक के साथ नियो लिबरल में भी रख सकते हैं, और इनकी वजह से रोनाल्ड रीगन का, अगर आपने नाम ने सुना है, जो अमेरिका में पॉलिसी जो उन्होंने अप्लाई थी, वो कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे मार्केट में स्टेट का रोल मिनिमम हो जाएगा, टैक्सेशन कम हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस जो रोनाल्ड रीगन ने करे थे वो इनसे इन्फ्लुएंस थे। अब कीनेस के बारे में हम जब बात करेंगे तो वो इंटर माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के बारे में बातें करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई कहीं ना कहीं जो स्टेट है वो प्रभावित कर सकता है, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं आउटकम को इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे भारत में बहुत ज़्यादा आता है कि रेपो रेट घटा दी, बढ़ा दी, तो ये सारा कहीं ना कहीं उसका इम्प्लीकेशन जो केन्स का डिबेट है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी वजह से सारे इमरजेंस हुए हैं। और ये पोटेंशियल गवर्नमेंट जो रोल है उसको प्ले करने के बारे में बातें कर रहे हैं। मनरेगा भी उसी का एक पार्ट है, जैसे एमजी नरेगा के हम बारे में बातें करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं केन्स की जो अंडरस्टैंडिंग है उससे निकल के आया है। तो ये तो हुआ पूरा का पूरा लार्जर डिबेट हायक और केन्स के बारे में। लगातार अगर आपको ऐसे ही डिबेट देखनी है, समझना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देखते रहिए। मेरा नाम है संदीप सिंह और इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।